मारुति की फिलहाल एक भी गाड़ी नहीं है जिसमें आपको प्रॉपर 5-स्टार इनका रेटिंग मिले और सारी बोरिंग सी है डिब्बे ऐसी। पर इस ब्रांड ने 2011 में अपनी चैटेस्ट गाड़ी को लॉन्च किया था जिसका नाम है सुजुकी की साची। जो कि इस ब्रांड की एक प्रीमियम परफॉर्मेंस सेडान थी जो कि नॉर्थ अमेरिका के यंगर पार्ट्स को देख के बनाई थी और ब्रांड का फोकस था यूरोपियन क्राफ्टमैनशिप को ऑफर करना सुजुकी की वैल्यूज के साथ। और इसलिए इस गाड़ी में आपको 2.4 लीटर का इंजन मिलता था जिसमें आपको 188 हॉर्स पावर मिलती थी। इतनी पावर आपको करंट वाली ऑक्टावियो में नहीं मिलती। आपको एरीबोन की ब्रेक्स मिलती थी, 18 इंच के अलॉयज मिलते थे, 6 एयरबैग्स मिलते थे उस टाइम में, जिससे इस गाड़ी में आपको 5-स्टार इनगैप रेटिंग मिलती थी। ओह माय गॉड। और दोस्तों दिक्कत क्या थी कि गाड़ी इंडिया में सीबीयू इंपोर्ट थी तो इसलिए इसका प्राइस 16.5 लाख रुपए एक शोरूम इंडिया से स्टार्टिंग था, जब उस टाइम फॉर्च्यूनर का प्राइस 20 लाख रुपए का था। तो भाई मैं फॉर्च्यूनर लूंगा ऑब्वियसली। और क्योंकि पावर बहुत ही बढ़िया थी इसलिए एवरेज बहुत ही बेकार थी। उस टाइम लोगों पर एवरेज ही चाहिए थी अपनी गाड़ी से, तो इसलिए इनिशियली तो इस गाड़ी को 400 प्री बुकिंग्स मिल गई, पर बाद में इस गाड़ी की डिमांड डाइव ऑफ कर गई और सुजुकी ने 2 सालों के अंदर ही इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। पर आप कंटिन्यू रखो, कार वर्सल को सब्सक्राइब करना।